उसके बाद में मशीन में हाइड्रोलिक पंप करके पंप आता है। अरे वो क्या किया है वो हम समझ रहे हैं, वो मत ठीक है, वो बात को आप मत बतलाइए कि बॉकेट बेच दिया, हाइड्रोलिक पंप क्या होता है वो सब बेच दिया उस, ठीक है वो क्या किया है हम समझ रहे हैं। एक एक वो जो हेलो हाँ नहीं, उसने सब कुछ बेच दिया, उसकी जायज है, और इधर जो मालक की गांड मारी उसकी कुछ जायज नहीं है आपको। हम आपको क्या बता रहे हैं, आप समझ में पहले आ रहा है आपको बात मेरी? समझ में आ रहा है नहीं, हमारे आपको बता रहे हैं, जब वो मालक की गांड मार गया, इंजन को बैठा के गया, बैटरी चोरी करके बेच के गया, बकेट को बेच के गया, और उसका क्या करेंगे, अपना एफआईआर डालेंगे या नहीं उसके ऊपर? आप एफआईआर किए और आप उसके पेमेंट की बात करेंगे, पेमेंट के काम की डिटेल आपको भेजते, कितना पेमेंट उसके पास पहुंच गया, कितने महीने काम किया है, मशीन आई हुई है 3 महीने, 3 महीने का पूरा पेमेंट उसके पास पहुंचा है या नहीं, ये आपको मैं अकाउंट डिटेल भेजता। नहीं तो आपको पेमेंट उसका एक मिनट, आपका प्रोसीजर है कि आप उसको पेमेंट जो बात किए थे, आप उससे बात हुआ था, जो आपका डीलिंग उससे हुआ था उस समय, आप पेमेंट के जो बात किए थे वो पेमेंट उसको क्लियर करना चाहिए। वो काम कर रहा था बंदा, तो उसमें आपको बाकी जहाँ तक बेचने की बात है तो कितना परसेंट सत्यापन सत्य है ये तो अब समय बताएगा ना, तो कानून इस पर कार्रवाई करेगी। मशीन पर रहने के बाद मशीन पर नहीं रहता वो, लड़की लेके घूमता, कभी इसको लेके घूमता, मशीन को काम की बोलो, काम मेरे से नहीं होता, ये नहीं होता, फिर उसको पेमेंट दिया और साला उसके बाद बोला कि मेरे को एडवांस चाहिए। मैंने आप उसको रखे हैं वो यार लड़की लेकर घूमेगा, ये आप इतने बताते हैं? मालक मशीन में 24 घंटे नहीं रहता है। नहीं, मालिक नहीं रखे होते फिर भी वो बिना मशीन चलाए हुए आप उसको रखिएगा एक दिन? अरे भैया प्रोसीजर 4 महीने से ये चल रहा है, घूमता है, आप उसको रखे हुए हैं, पेमेंट दे रहे हैं? ढाई महीने मशीन आई हुई है मेरे को। ना तो ठीक है, तो हम बोल रहे हैं आपको कि आप इस जब ऐसा सिचुएशन इसके साथ ऐसा जब ये आपके साथ बिलीव कर रहा है तो आप इसको और हाई महीना काहे को रखें, इसको तो जल्दी लात मारना चाहिए और हटाना चाहिए इसको। ये ज्यादा से ज्यादा इस मशीन पर आए 15 दिन या 20 दिन, 1 महीने का पेमेंट लेके गया, उसने बोला कि रात को मैं चक्कर डालूंगा, ये करूंगा, रात को अपन पहुंच नहीं पाए, मशीन दूर थी और सुबह भाई अपन मशीन पर पहुंचे, जब मशीन का लोडर ऊपर करके चक्कर भर के वो चीज बेच बात के वो ये निकल गया। अच्छा एक बात हम आपको पूछ रहे हैं, एक बात पूछिए, हमको ना समझ में आ रहा है कि जो बाकेट बेचने की बात हो रही है और हाइड्रोलिक पंप और बैटरी की बात हो रही है, ठीक है, ये कितना परसेंट सच्चाई है ये आप थोड़ा बताइए तो? ये 100% सच्चाई है, ये जो पुलिस वालों को एफआईआर किया, उन्होंने कंप्लेंट किया, वो आए साइड पर, उन्होंने देखा क्या क्या मशीनरी कंडीशन, फोटो लिया, सब चीज है अपने पास, उसका मिस्त्री ले जाके अपन ने पूरा फिट कराया और इंश्योरेंस भी डाला है अपने, इसका जिसने भी किया है ना वो पूरा इंश्योरेंस भी डाला, इंश्योरेंस भी मिलने का है अपने को, कोई पुरानी मशीन नहीं है, कोई वो नहीं, इंश्योरेंस भी डाला है इसका। तो ये बाकेट का एक हम हमारे तो जहाँ तक नॉलेज है कि बाकेट का तो वेट जो बहुत ज़्यादा होता है, बाकेट कैसे उठा कर कहीं लेकर बिक्री कर सकता है? आप बैटरी का बोल दिए तो हम मान सकते हैं। एक पहले किसी से इससे बात किया है, मशीन थी दूर यहाँ से रोड के किनारे, तो उसने वो बुलाया गाड़ी लेके, उस गाड़ी में लोड करके दिया है। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, बाकेट बेचने की जहाँ तक प्रश्न आ गई इसके पास, जो ये लड़का है इसके पास बाकेट बेचने की परिस्थिति क्यों आई है, सब ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ गया ऐसे सिचुएशन जो बाकेट बेचना पड़ा ऑपरेटर को? अभी इसका इसको मालूम है क्यों क्या है, इसको क्या करना पड़ा, क्या नहीं करना, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं तो अब गलती होगा, गलती कुछ भी नहीं, इसका जो पेमेंट डिटेल है ना, अकाउंट पेमेंट डिटेल जितना डाला है इसको वो भी बता देता, कितने महीने काम किया है वो भी बता देता मैं आपको। नहीं नहीं ठीक है, पेमेंट आपने डाला है उसको लाइन पे लो, पर उसको लाइन पर हम ले लेते हैं, वो पास ही में हम टेबल पर बैठे हुए हैं, पास ही में है, वो सारा बात सुन रहा है मेरा, ठीक है, अब सुन रहा है कुछ भी सही, उससे मेरी बात कराओ एक बार, मैं उसको बताता क्या क्या है, वो अपने अपने मुंह से बताएगा क्या क्या लेके गया, क्या क्या लेके नहीं गया। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ ठीक ठीक, उससे हम बात कराते हैं आपको, ठीक है, आप फोन उठाइए पहले।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए और आईडी कार्ड जरूर बनवाइए ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन का।